एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज है 4 जुलाई, आज सिद्धार्थ का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है और कल ही मेरे घर में पूजा थी, तो काफ़ी लेट हम लोग सो पाए हैं। और पता नहीं क्यों 2 घंटे बाद जब मैं सोई ना, उसके बाद मेरी आँख खुल गई, मुझे फिर से नींद नहीं आ रही थी, शायद आज स्कूल था इसलिए। और बड़ी मुश्किल से तीन चार घंटे ही मैं सोई हूँ इन टोटल। दोबारा सोई तो फिर 1-1.5 घंटे और सोई, बस बाकी अच्छे से मैं सो नहीं पाई हूँ। तो अभी खैर ज़्यादा कुछ मुझे नहीं करना है, काफ़ी कुछ तो रखा हुआ है, जैसे थोड़ा सा आटा पूड़ी का बचा था इसको हल्का सा पानी ऐसे लगा करके मैंने रख दिया है, थोड़ा सा ये गीला हो जाएगा बिकॉज पूड़ी का जो है वो टाइट आटा लगता है ना, तो ये पराठे के लिए सही हो जाएगा। पनीर का ये क्यूब बचा हुआ है तो इससे मैं उसके लिए पराठे बनाऊँगी, सिद्धार्थ के लिए पनीर का पराठा, उसको बहुत पसंद है। और साथ में ये वाले जो कल आलू बनाए थे ना, ये वाले आलू उसको काफ़ी अच्छे लगे थे, तो ये आलू भी थोड़े से बचे हुए हैं, वो शॉर्टकट में थोड़ा आज का काम भी हो जाएगा, वैसे भी फर्स्ट डे है और थोड़ी बहुत उसकी फेवरेट चीज़ें हैं तो उसमें उसका काम चल जाएगा आज का। फिर कल से हम एकदम फुल फ्लेज्ड अच्छा वाला ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, और फ्रूट में बनाना है तो वो मैं देने वाली हूँ उसको। उसको उठाते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, 6 बज गया है, उसको 7:15 बजे निकल जाना है। ये पूजा वाला रूम है, यहाँ पे पूजा हुई थी तो ये सेम डे नहीं हटाते हैं ना, तो आज इसकी भी सारी क्लीनिंग वगैरह होनी है, और यहाँ सब लोग बैठे थे तो ये सारा क्लीन करेंगे आज। अगर मैं से यहाँ से चली गई ना तो तुम फिर से सो जाओगे। थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन शो मत जाना फिर, ओके? 6 o'clock, ओके? फिर आपको नहीं नहीं करना है, कुछ खाना भी है। चलो अभी मम्मा और बाबू टाइम, कैमरा बंद, मम्मा और बाबू टाइम। और ये जो मैंने बनाना केस लिया है ना, ये एकदम परफेक्ट है बनाना देने के लिए, बिल्कुल भी इसके अंदर बनाना ना ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने 2 उसके लिए पनीर के पराठे बना दिए हैं जो मैंने पैक भी ऑलरेडी कर दिए, साथ में थोड़ा सा केचप रखा है, और आलू जो मैंने बनाए थे पूजा में वही वाले आलू मैंने यहाँ पे रखे हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। ये आलू अगर आप ऐसे सूखे भी खाओगे तब भी बहुत अच्छे लगते हैं। सिद्धार्थ जय जय कर लिया, बाय कर दो, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, बाय कर दो सबको, वहीं से बोल दो बाय। और ज़्यादातर मैं और हस्बैंड दोनों ही सिद्ध को छोड़ने के लिए जाते हैं बिकॉज ड्राइव तो वो करते हैं ऑब्वियसली, और क्या होता है ना वहाँ पे काफ़ी रश होता है स्कूल के बाहर, तो फटाफट गाड़ी लगा करके ना और लेकर जाना पड़ता है, तो पार्किंग की उतनी जगह नहीं होती है, गाड़ी सारी मूविंग में ही रहती है, तो हस्बैंड गाड़ी हमें छोड़ करके गेट पे थोड़ा आगे निकल जाते हैं बैक करने के लिए, और हम लोग फिर मैं उसको स्कूल में छोड़ कर आती हूँ और फिर वो बैक करके गाड़ी लाते हैं, फिर मैं बैठ के आ जाती हूँ, कुछ ऐसा सिस्टम रहता है। तो अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और फिश को अभी खाना दिया था तो ये काफ़ी हैप्पी सी हो रखी है, तो मैंने सोचा दिखाऊँ। उसके बाद फिर हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं अभी, और मैंने नहा धो करके सबसे पहला काम किया ये सारा क्लीनिंग करना, बिकॉज बिना नहाए भी इसको नहीं छू सकते थे, तो उनके जाने के बाद फिर सारा मैंने ये क्लीन करना स्टार्ट किया। और इस रूम में ना आज झाड़ू नहीं लगवा रही हूँ मैं, तो जितनी भी क्लीनिंग करूँगी वो मैं सारी पेपर से, टिश्यू पेपर से सारा जो भी फैला हुआ है, बिकॉज जो हम आहुति देते हैं ना वो बहुत फैल जाता है, पीछे जो लोग बैठे हुए थे वो भी आहुति दे रहे थे, तो वो सारा जो है ना, वो सारी पूजा की चीज़ें फैली होती है ना, तो उसमें झाड़ू लगाने में ना मन नहीं लगता है, तो सारी चीज़ें मैं उठा लेने वाली हूँ और फिर हम ये कमरा वॉश कर देंगे, 1 बाल्टी पानी डाल करके धो देंगे, तो जो चिकनाहट है, घी वी गिरा है, वो सारा उससे साफ़ हो जाएगा। और ये जितना भी विसर्जन का थोड़ा सामान निकलता है ना, जो पूजा बिठाई जाती है और सारे पान पत्ते फूल, सारी आहुति जहाँ पे चढ़ाई जाती है, वो सारी चीज़ें मैंने एक जगह इकट्ठा कर ली है। कुछ दिन में शूट नहीं किया और अभी टाइम हो रहा है 7:30। आज मुझे डिनर बनाने में भी थोड़ा सा लेट हो गया है, सब्जी वगैरह सब बन चुकी है, दाल भी है, और दाल जो मैंने सुबह बनाई थी वही है,
सब्जी अभी बनाई है और मैंने बनाई है एकदम फूली फूली सी सॉफ्ट सॉफ्ट रागी की रोटी। डिनर में यही रहेगा, दाल सब्जी और रोटी। मैंने लोबिया की सब्जी बनाई है, अभी दिखा देती हूँ आपको। और बहुत अच्छी रोटी बन रही है, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे बनाया। मैंने रागी का चीला, रागी का जो वेजिटेबल्स डाल के चीला ही हो गया उत्पम टाइप का, वो भी बनाया। लेकिन रोटी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, काफ़ी अच्छी बन रही है। मतलब एज अ रोटी आप इसको खा सकते हो, कम्प्लीटली आप स्किप कर सकते हो गेहूं की रोटी, क्योंकि सॉफ्ट बन रही है और आप इसको खा सकते हो। वैसे भी थोड़ा टेस्ट इनका वैसे ही होता है, एकदम आपको वो बढ़िया वाला रोटी वाला फील नहीं आएगा, क्योंकि हम हमेशा से पूरा ज़िंदगी भर गेहूं की रोटी खाते आए हैं, तो थोड़ा सा ग्रेन का टेस्ट इसका अलग होता है। बट एटलीस्ट हम दिन में एक बार तो स्किप कर सकते हैं ना, तो इसीलिए। और वो हमारा होता है रात में, क्योंकि दिन में फिर सिद्धार्थ के लिए खाना बनाना होता है और हस्बैंड को टिफिन देना होता है ऑफिस में, तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल आप नहीं दे सकते हो ना, कुछ नॉर्मली खाना देना पड़ता है। तो डिनर में मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा हेल्दी सा बनाऊं। और इतनी गर्मी हो रखी है ना, मेरा बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा पसीना एकदम तर बतर। आज बहुत गर्मी है, एक्सट्रीम वही वाली ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है। आज सिद्धार्थ भी बहुत ज़्यादा थका हुआ है, क्योंकि इतने दिन बाद वो गया स्कूल और मैं तो रात में बस 3 घंटे सोई होंगी, तो मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। तो फटाफट खाना बना के डिनर करके पहले मैं भी दिया बाती करूँगी। मैंने दिया बाती नहीं किया अभी तक, तो ये बना के रोटी बना के रख दूँगी, फिर दिया बाती करूँगी, उसके बाद हम डिनर करेंगे। और आज हम 9-9:30 बजे तक मैक्सिमम चले जाएंगे बेड पे, क्योंकि कल सिद्धार्थ का फिर से स्कूल है। तो यहाँ पे देखिए रागी की रोटी कितना परफेक्ट फूल रही है, ये देखिए पूरी फूली हुई है हर तरफ से। और ये थोड़ी ऐसी लाल लाल बनती है, इनको कच्चा कंसीडर नहीं कर सकते, ये ऐसी थोड़ी लाल लाल वैसे ही ग्रेन होता है ना। तो ये हमारी रोटियां बन गई हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बनाई है ये सब्जी हो गई, और ये दाल है पालक वाली, ये मॉर्निंग से लेफ्ट ओवर है। अभी हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट डे पे, यानी ट्यूसडे मॉर्निंग पे, और अभी मैं सिद्धार्थ का टिफ़िन प्रिपेयर करने जा रही हूँ। और मैं पूरा प्लान करके चली थी कि आज उसे क्या देना है। इवन मंडे से लेकर थर्सडे तक मैं कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी पराठा टाइप सी चीज़ें कुछ दूँ, या हेल्दी स्टफिंग के साथ, या फिर वेजिटेबल राइस, कुछ ऐसी चीज़ जो एकदम हेल्दी सी हो वो मैं लंच बॉक्स में दूँ। ब्रेड या सैंडविच ये थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ। फ्राइडे मैंने उसके लिए रखा हुआ है कि हाँ फ्राइडे मैं तुम्हें कुछ अच्छा स्पेशल बना के दूँगी, तो वो सैंडविच भी हो सकता है, बर्गर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस टाइप की चीज़। तो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि बच्चों को ना अच्छा अच्छा टिफ़िन मिले जिसके अंदर सब्जियां भी हों, और थोड़ा ऐसे ट्रिक से आप उनको खिलाइए कि सब्जियां भी वो खा लें। बिकॉज़ आधा दिन तो वो बाहर रहते हैं, 2 बजे तक 2:30 बजे तक बच्चों का स्कूल चलता है, तो उसमें अगर हम वो 2 मील ऐसे ही उनको दें, अच्छे तरीके से नहीं देना सब्जियों वगैरह के साथ, तो आधा दिन तो बिना सब्जियां खाए निकल जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि कुछ ना कुछ सब्ज़ी जो है खाने में ज़रूर हो किसी भी फॉर्म में। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि बच्चे को जो भी सब्ज़ी पसंद है ना, हर बच्चे को अलग अलग सब्ज़ी पसंद होती है। जैसे सिद्धार्थ को पालक बहुत पसंद है, तो आज एक दिन के मैंने उसके टिफ़िन में पालक सोचा हुआ था कि इसका बना हुआ कुछ मैं दूंगी। पालक की आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए बना सकते हैं, लेकिन आज मैं सिंपल पालक और आलू की जो भुजिया होती है ना, वो बनाने वाली हूँ। इसी तरीके से अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। किसी को भिंडी बहुत पसंद आती है, किसी को बीन्स बहुत पसंद आती है, किसी को शिमला मिर्च और प्याज टमाटर वाली सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। तो जैसे आपके बच्चे को जो सब्ज़ी पसंद हो, वीक में 1 या 2 बार उसको ज़रूर रखें। अगर 2 बार रख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना के रखें कि टेस्ट अलग आए, टेक्सचर अलग आए। तो इस तरीके से उनको अपनी फेवरेट सब्ज़ी भी मिलती है और आपको कोई टेंशन भी नहीं होती है। सिद्धार्थ को ये आलू और पालक की भुजिया बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा पालक मैंने कल ही सुधार करके रख दिया था। और सिंपल तरीके से जीरा, हल्दी, नमक और हरी मिर्च, हाँ हरी मिर्च के साथ मैंने ये पालक और आलू की भुजिया छौंकी है और पकने के लिए रख दी है उधर। और इधर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पराठे के लिए आटा, थोड़ा सा ही लगा रही हूँ बिकॉज़ सिद्धार्थ को दूंगी और दोपहर के लिए थोड़ा सा बचेगा। बाकी हम लोग के लिए जो रागी का आटा है वो रखा हुआ है, तो उसकी मैं रोटियाँ करने वाली हूँ। और किसी भी साग में ना आप तुरंत नमक ना डालें तो अच्छा होता है, खासकर ये पालक वगैरह में। इसमें क्या होता है ना, पानी बहुत रिलीज़ होता है, तो अगर आप तुरंत नमक भी डाल देते हैं ना तो पानी एकदम से छूटता है और उससे बड़ा बॉयल बॉयल सा टेस्ट आता है।
लेकिन सब्ज़ी का हमें टेस्ट थोड़ा भुना भुना सा चाहिए, इसलिए मैंने बाद में थोड़ा करके नमक ऐड किया है। जब भी आपकी भुजिया इस तरीके से हो जाए, डन हो जाए, तो आप एकदम ही गैस बंद ना कर दें, थोड़ा तेज़ आंच पर इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। ऐसा करने से जो पालक में एक पिचपिचापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है और अच्छी सी भुजिया, भुनी भुनी सी, मतलब एकदम ऐसी पानी वाली भुजिया नहीं रहेगी, अच्छी भुजिया आपको मिलेगी। और बच्चे इस टाइप की भुजिया खाना बहुत पसंद करते हैं। तो इधर भुजिया हमारी बन गई है, अब मैं फटाफट सिंपल वाले जो पराठे होते हैं ना, ट्रायंगल बनाने हैं तो ट्रायंगल, मैं आज स्क्वायर में बनाने वाली हूँ, तो ये बना के बस आप पैक कर दीजिए टिफ़िन। ये वाली सब्ज़ी अगर मैं थोड़ी ज़्यादा करके भी रखूँगी ना, तो टिफ़िन फिनिश आता है, बिकॉज़ उसको काफ़ी पसंद है। इसी तरीके से अगर बच्चे को भिंडी पसंद है ना, तो आप वीक में दो बार भिंडी रख सकते हैं, एक बार भुजिया बनाइए, एक बार दही वाली भिंडी, एक बार मसाले वाली भिंडी। ऐसे करके ना हम उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्वाद वाली चीज़ें बना करके सेम सब्ज़ी को दे सकते हैं बच्चों को, और वो सारा टिफ़िन जो अपना चट करके भी आने वाले हैं, बिकॉज़ वो तो फेवरेट सब्ज़ी है उनकी। तो बस इसी तरीके से हल्का सा प्लान करके चलेंगे, तो बच्चे रोज़ अपना टिफ़िन चट करके आएंगे। तो पराठे दो मैंने अभी बनाए हैं सिर्फ सिद्ध को टिफ़िन में रखने के लिए, और यहाँ पे एक मैं रागी का पराठा उसके लिए बना रही हूँ। कल मैंने जो रोटी बनाई थी ना, उसको काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ और हेल्दी हो जाएगा, तो रागी का पराठा मैं बना रही हूँ, और ये मैं उसको इसी आलू और पालक की भुजिया के साथ अभी ब्रेकफास्ट में देने वाली हूँ। तो ब्रेकफास्ट में ये खा के जाएगा, और ये है आज का उसका टिफ़िन, आलू पालक भुजिया साथ में दो पराठे। और पता है घर में गेस्ट आए थे ना, तो हर कोई कुछ ना कुछ ले करके आया था, कोई चॉकलेट लेके आया था, कोई चिप्स लेके आया था, कोई फ्रूटी लेके आया था। घर में बच्चा होता है ना, तो लोग इस तरीके की चीज़ें लेकर आते हैं, और हम लोग भी जाते हैं तो लेकर जाते हैं। तो चिप्स रखे हुए थे, तो सिद्ध ने बोला मम्मा दे देना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाऊँगा। तो बस इसमें थोड़े से मैंने चिप्स डाल दिए हैं, और साथ में आज मैं फ्रूट्स में देने वाली हूँ मैंगो। सिद्ध को ड्रॉप करके ना हम लोग 7:40 या 7:45 बजे तक आ ही जाते हैं। उसको छोड़ के आने के बाद फिर मैं हस्बैंड के लिए यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। वैसे 90% तो मैं कोशिश करती हूँ जो सब्ज़ी एक बन रही है वही रहे, और उसके साथ जो रोटी पराठा है वो बस चेंज हो जाए, उससे फिर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या था, आज ना मुझे आलू पालक सिद्ध को बना के देने थे और पालक बहुत कम थी, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे दोबारा सब्ज़ी बनानी पड़ी है। और वैसे भी ये वाली सब्ज़ी सिद्ध पसंद नहीं करता है, तो सब्ज़ी तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये शिमला मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर और जो ग्रीन अनियंस होते हैं उनकी मैंने सब्ज़ी बनाई है, साथ में बनाई है रागी की रोटी। और बस ये था हमारा ट्यूसडे का मॉर्निंग का सारा तामझाम। उसके बाद हम सीधा जंप करके पहुँचे हैं वेडनेसडे पे, और एक्चुअली इन दो दिनों में मैंने अपना जो पूजा की वीडियोस थी वो एडिट करके डाली थी, तो पूजा होती है, कोई फंक्शन होता है ना, उसमें ढेर सारी क्लिप्स बन जाती हैं, और उनको अरेंज करना और एडिट करना थोड़ा सा मतलब टीडियस टास्क हो जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था। सिर्फ मॉर्निंग की मैंने जो रेसिपीज़ हैं, टिफ़िन रेसिपीज़, वो यहाँ पे शूट करी थी। तो अभी मैंने चने चढ़ाए, थोड़ा नमक डाल करके, काले चने जो होते हैं उबलने के लिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ढेर सारा प्याज है उसको चॉप करके रखा है। यहाँ पे एक मसाला मैं बना रही हूँ जिसके अंदर जिंजर, गार्लिक, यहाँ पे थोड़े से धनिया के पत्ते हैं, और साथ ही में मैंने टमाटर लिए हैं, तो यहाँ पे 3 टमाटर मैंने लिए हैं। और बस इसका एक पेस्ट बना के मैं तैयार कर लूँगी, और जब तक वहाँ पर उबल रहे हैं चने, तब तक यहाँ पे मैं आटा भी लगा के रख दूँगी। तो थोड़ा सा आटा मैं यहाँ पे ले रही हूँ, बिकॉज सिर्फ सिद्ध के लिए हम ये बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल करके मैं ये आटा गूँथ करके तैयार कर दूँगी। क्योंकि आज मैं जो चने बनाने वाली हूँ वो बहुत ही ड्राई वर्जन है चने का, चटपटे चने बोलूँगी मैं उसको, बहुत टेस्टी लगते हैं, आप ऐसे भी एक कटोरी लेकर खाएंगे तो अच्छे लगते हैं। साथ ही अगर आप टिफ़िन वगैरह में दे रहे हैं, खासकर बच्चों को, क्योंकि बच्चे ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी ले जाना उतना प्रेफर नहीं करते, मैसी भी कर देते हैं, तो इस टाइप के चने आप उनको बना करके टिफ़िन में दे सकते हैं, हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा और हींग डाला है तेल के अंदर, सरसों का ही तेल लिया है मैंने इसमें, और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो काफ़ी सारे प्याज कट करके रखे थे ये भी डाल दिए हैं। प्याज को ना अच्छी तरीके से ब्राउन करके भून लेंगे, फिर इसके अंदर हल्दी,
लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर मैं ऐड करने वाली हूँ। धनिया का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, जैसे 2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद यहाँ पे सौंफ का थोड़ा सा पाउडर था वो भी ऐड कर दिया है। और अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स, और तब तक पकाएंगे जब तक कि थोड़ा सा मसालों की अच्छी खुशबू नहीं आने लगती। उसके बाद हमने जो पेस्ट बना के रखा था जिंजर गार्लिक टमाटर और हरा धनिया का, वो हमने इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और बस इस जो ग्रेवी है इसको अच्छी तरीके से, तेल जब तक सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हमें पका करके तैयार कर लेना है। मसाला भी अच्छे से भुन गया है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये चने, और इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और ये जो पानी इसमें निकला था वो मैंने सेव करके रख लिया था, बिकॉज़ हस्बैंड के लिए वापस आने के बाद मैंने फिर इसको ग्रेवी वाला कर दिया था, क्योंकि राइस बनाए थे इसके साथ मैंने। यहाँ पे मैं इसको ड्राई ही रखने वाली हूँ तो इसीलिए पानी सारा हटा लिया है मैंने इसमें से। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया, थोड़ा सा सॉल्ट और बढ़ाया है, थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला का पाउडर वो मैं ऐड करूँगी। और बस इसको अच्छी तरीके से आपको भून लेना है, ऐसे ही तेज़ आंच पे चला चला के, जो थोड़ा लिक्विड इसमें आपको पानी दिख रहा है वो भी सारा ख़त्म हो जाए तब तक आपको इसे भून करके तैयार करना है। पूड़ी के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ले लिया है तेल, और ये सरसों का ही तेल है। मैं आजकल अवॉइड करती हूँ कि रिफाइंड में पूड़ी बनाऊँ, जैसे कोई आता जाता है तो बना देती हूँ, लेकिन अगर घर में खाने के लिए कभी बनानी है थोड़ी बहुत तो मैं सरसों का तेल ही प्रेफर करती हूँ। और अगर आप सरसों के तेल को थोड़ा अच्छे से हीट कर दो ना तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, ट्रस्ट मी। हमें तो सरसों का तेल पसंद है तो हमें ये पूड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो अच्छी तरीके से तेल को मैंने गर्म कर दिया, उसके बाद मैंने इसमें गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल के निकाल ली हैं। सिद्धार्थ के लिए मैंने यहाँ पे कर दी हैं ये पूरियाँ और साथ में चने। इसके साथ में ना हल्के से मैं ड्राई फ्रूट्स देने वाली हूँ, क्योंकि अलग से कुछ आज नहीं है मेरे पास देने के लिए, तो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स मैं इसके अंदर रख दूँगी। और बनाना जो मैं देती हूँ वो तो मैं दूँगी ही, बाकी बहुत से लोग इस लंच बॉक्स का लिंक मांग रहे थे तो वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।